आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और वो वेडिंग टूर्नामेंट ऑफ व्हाइट वॉल में भी गए, जहां इनकी जर्नी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया। दरअसल ये जा रहे थे रिवरलैंड को, लेकिन कुछ नाइट जो टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने को जा रहे थे यानी टूर्नामेंट में, डंक और एक से टकरा जाते हैं, जहां वो उसे भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं क्योंकि जीतने वाले को ड्रैगन एग मिलेगा वहां पर, जहां आगे जाकर इनकी दोस्ती भी हो जाती है जिनका नाम होता है गॉर्मोन पीक और जॉन द फिडलर एंड बाकी के दो और हैं। जहां इसी बीच डंकन की दोस्ती कुछ और नाइट से भी हो जाती है क्योंकि वो पहले निकल जाते हैं। डंकन यहां डिसीजन लेने में लेट होता है और व्हाइट वॉल का सफर करते दौरान उसकी मुलाकात कुछ एक नाइट से भी होती है। इसी बीच लाइक सर काइल द कैट, सर मेनार्ड प्लम एंड सर ग्लेंडनबॉट। व्हाइट वॉल पहुंच के डंकन की मुलाकात फिर से फिडलर से हो जाती है और इनके बीच एक अच्छी दोस्ती का बॉन्ड बनने लगता है, जो एक ड्रीमर टाइप का बंदा था फिडलर और डंकन को अपने सपने में देखा करता था किंग्स गार्ड का लॉर्ड कमांडर बना हुआ। इसी बीच काफी छल कपट भी हुआ उस टूर्नामेंट में। डंकन को यह भी एहसास हुआ कि टूर्नामेंट अब पहले से फिक्स है। डंक को टूर्नामेंट में अ मिस्ट्री नाइट कह के जाना जाने लगा और उसकी ढाल में फांसी पे लटके एक बंदे की वजह से उसे हैंग नाइट भी कहा जाने लगा, क्योंकि टूर्नामेंट में उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया था। इतने में एगॉन भी उससे खो जाता है और यहां टूर्नामेंट में डंक को हराने के लिए साजिशें रची जा रही थी क्योंकि वो अनडिफीटेड लड़े जा रहा था और वो बाद में उसे पता चलता है कि ये सब तामझाम फिडलर को टूर्नामेंट में जिताने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच ड्रैगन एग भी चोरी हो जाता है और जबरदस्ती की लड़ाई में डंकन भी घसीटा जा रहा था, लेकिन तब तक उसे एगॉन की लोकेशन का पता लग गया और वो उसे ढूंढने चला गया। इन्हीं सारी भगदड़ के कारण डंकन और एगॉन को फंसाया जाने लगा, जिसमें एगॉन ने दिमाग का इस्तेमाल किया, दिमाग से काम लिया और लॉर्ड बटरवॉल को चूतिया बनाया कि हम दोनों यहाँ स्पाई बनकर आए हैं टूर्नामेंट का हालचाल लेने के लिए और मेरा बाप जो मैकार टारगेरियन है अपनी आर्मी लेकर कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है और तुम सबकी धज्जियाँ उड़ाने वाला है। इसी बीच ये भी पता चलता है जो फिडलर है भाई वो उसका रियल नाम है ही नहीं, उसका रियल नाम डेमन है, डेमन ब्लैकफायर, और वो ब्लैकफायर रेविलियन को अंजाम इन्हीं लोगों ने दिया है, इसके पूर्वजों ने, और वो है सेकंड डेमन, सेकंड ब्लैकफायर रेविलियन, कौन फिडलर जो इस भगदड़ को अंजाम देने के लिए आया था। और इसी बीच हैंड ऑफ द किंग अराइव्ड करता है क्योंकि उन्हें पहले खबर मिलती है क्योंकि इस वेडिंग पर रेविलियन का अटैक होने वाला है और राज्य की शांति भंग करी जाने की साजिशें रची जा रही है। एंड ही अरेस्टेड डेमन और उन सभी को जो उसका सपोर्ट कर रहे थे। डंकन और एगॉन को ड्रैगन एग ढूंढने के लिए जर्नी कंटिन्यू करने का आदेश दिया गया। काफी लंबा समय व्हाइट वॉल्स में गुजारने के बाद वो विंटरफेल को गए। उसके बाद कहा जाता है कि एगॉन 5 टारगेरियन ने शादी करी और जब उसका बेटा हुआ तब उसका नाम भी उसने डंकन रखा, जो डंकन द स्मॉल करके जाने लगा। उसके बाद एगॉन 5 को किंग बना दिया गया क्योंकि उसका बड़ा भाई एमन टारगेरियन ने किंग बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिसे आप जानते ही हो, जो कासल ब्लैक जाके नाइट वॉच को ज्वाइन कर लेता है और ग्रैंड मास्टर एमन को देखा होगा कैसल ब्लैक पर, वो सफेद बाल वाला बुड्ढा जिसकी हमदर्दी जॉन स्नो के साथ बहुत होती है गेम ऑफ थ्रोन्स में, वो एगॉन 5 टारगेरियन का भाई ही होता है और मैड किंग का दादा होता है। उसके बाद डंकन को लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड बना दिया गया और विंटर टॉर्नी एट किंग्स लैंडिंग जब ऑर्गेनाइज कराया गया, क्योंकि ये हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है किंग्स लैंडिंग पर, उस टूर्नामेंट में डंकन हारता है, वो भी एक 16 साल के मिस्ट्री नाइट से, जो और कोई नहीं अपना बैरिस्टन सेल्मी होता है, जिसे आप जानते हो गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में यानी गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन में आपने जॉफरी ने उसे निकाल दिया था किंग्स गार्ड से यानी किंग्स लैंडिंग से, और उसने फिर डेनिरिस टारगेरियन को ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ सर डंकन द टॉल का चैप्टर होता है क्लोज। तो बाबा ये सारा मामला हमें अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देखने को मिलने वाला है, जिसे मैंने सीधी साफ और खड़ी भाषा में आपके सामने रख दिया है, जहाँ मैंने सिर्फ मेन पॉइंट पर ही ध्यान दिया है, जो हमें वेब शो में इस कहानी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा। बाकी हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिस्टेक हो गई हो, या फिर मैं ना बता पाया हूँगा, या फिर कुछ गलत भी हो गया। जिसने ये नोवेला पढ़ी होगी तो उसे कहानी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। बाकी जिसने नहीं पढ़ा है तो बाबा ये ब्रीफली डिटेलिंग वीडियो मैंने आपको दे ही दिया है, डोंट वरी। और बाबा इसी वेब शो के लिए खुद आरआर मार्टिन भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 उन्हें निराश करके गया, काफ़ी चेंजेस करे गए थे मेकर्स के द्वारा उसमें, दैट्स वाई। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि इसमें इतने चेंजेस नहीं हैं, जो मेरे रीडर्स को काफ़ी पसंद आने वाला है और बाकी लोगों को भी काफ़ी पसंद आने वाला है। तो बाबा एक दो महीने के अंदर हमें अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का टीजर भी देखने को मिल सकता है, और रेडी हो जाओ 2025 की स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि भाई मजा आने वाला है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम ये शो हमें मिलने वाला है और जस्ट उसके एक साल बाद हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 भी मिल जाएगा। तो बाबा गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के जो भी फैन हैं, डोंट वरी, लाइन से चीज़ें लगी पड़ी हैं। इसके बाद एगॉन द कॉन्क्वेस्ट, एगॉन द कॉन्करर की भी वेब शो कन्फर्म हो चुका है, तो हु नोज कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद हमें वो भी मिल जाएगा।
डोंट वरी, बहुत कुछ है बाबा गेम ऑफ थ्रोन्स में, हमारे लिए बहुत कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और यहाँ तक पहुँच गया हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी भाई नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं, इसमें कौन सी चीज़ छूट गई हो जिसे इसके बारे में पता हो, और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से रिलेटेड कोई अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर शेयर करके जाना, डिस्कस करके जाना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट, मैं वो जरूर दूंगा एट द टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।